हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड का जल्द ही आपका फिजिकल होने वाला है। सारे मापदंड के साथ साथ सारे दक्षता परीक्षा होंगे। पूरी जानकारी जानते हैं कि कब तक आपका यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा और मापदंड होंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज की न्यूज में बताया गया है कि फॉरेस्ट गार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा शीघ्र कराई जाएगी। वन विभाग के द्वारा UKPSC को ये अध्याचन या फिर एक लेटर हेड में बताया गया है, लेटर हेड में कहा गया है कि जल्दी इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि 854 पद थे। 854 पदों के लिए जो इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था दोस्तों, वह 21 अक्टूबर 2022 को UKPSC ने करवाया था। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम हुआ 854 पदों पे, 854 पदों पर जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 854 पदों पर एग्ज़ाम। इसमें टोटल मिला के 1,42,973 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम इसका 9 अप्रैल को हुआ था 2023 में। ठीक है, 18 मई को इसका रिजल्ट आउट कर दिया गया। एक महीना गुजर जाने के बाद फिर भी इसका कोई भी डेट शीट जारी या शेड्यूल नहीं बनाया गया फिजिकल के संबंध में। फिजिकल काफ़ी टाइम बाद ना होने की वजह से वन विभाग की ओर से लेटर लिखा गया, और अब क्या स्थिति है इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे इस न्यूज़पेपर में। तो वन क्षेत्र अधिकारियों के 28 पदों के लिए अध्याचन भेजा गया है। एक 28 पद अलग हैं वन क्षेत्र अधिकारी, जिसे हम रेंजर भी कहते हैं, तो इसके लिए अध्याचन भेजा गया। इसका एग्जाम जल्द होगा। फिलहाल 854 पदों पर बात कर लेते हैं वन रक्षक के संबंध में। तो वन विभाग निचले स्तर पर कार्मिकों की कमी के जूझ रहे वन विभाग में निचले स्तर पर कार्मिकों की कमी से जूझ रहा है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड के 854 पदों पर परीक्षा कराई गई थी, जिसका परिणाम भी आ चुका था। लेकिन अब तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल नहीं जारी किया। वन विभाग की ओर से आयोग को पत्र लिखकर शीघ्र शेड्यूल जारी करने के अनुरोध किए गए हैं। वन विभाग की ओर से भेजे गए अध्याचन के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 21 अक्टूबर 2022 को विज्ञप्ति जारी करी। 854 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसके बाद 9 अप्रैल को इसका एग्जाम हुआ था। इसमें टोटल मिला के जो अभ्यर्थी आएंगे, इसमें टोटल में मिला के जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे लिखित एग्जाम में, वह 1,856 लोग हुए थे। यानी कि आप मान के चलिए दोगुना लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। किसके लिए? फिजिकल के लिए। और फिजिकल के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि जल्द ही इसका फिजिकल का शेड्यूल बनेगा। और 21,700 इसमें आपकी सैलरी मिलेगी, लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी है। तो कुल मिला के सैलरी भी इसमें ठीक है, तो आप अपनी जी जान लगा दीजिएगा। तो जल्द ही इसका शेड्यूल आएगा, जैसे शेड्यूल आता है आपको तुरंत जाने की जानकारी मिल जाएगी। तो ये 28 पदों के लिए जो रेंजर पदों के लिए है, इसके लिए जो समूह ख ख के अंतर्गत आता है रेंजर का पद, जिसमें 74 पदों का लिए लिखित एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन 46 ऐसे 46 के लिए तो एग्ज़ाम हो चुका है, और 28 के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होना या फिर अध्याचन अभी आयोग को भेजा गया है। 28 पदों पर जल्द ही भर्ती होने की संभावना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये आज की न्यूज़ की हेडलाइन है। तो दोस्तों, जल्द ही इसका नोटिस या फिर शेड्यूल बन जाएगा।